Hey guys, welcome back to our channel Rizzardio's Rasoi. मैं हूँ साइमन रिजाडियो और आज हम लेके आए आपके लिए एक बहुत अच्छा डिश जिसको बोलते हैं चिकन स्टेक। तो चिकन स्टेक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हम आपको अब दिखाते हैं। चिकन स्टेक बनाने के लिए हमको चाहिए ब्रेस्ट पीस चिकन का बोनलेस किया हुआ, उसके लिए मैरिनेट करने के लिए हमको चाहिए नमक, ब्लैक पेपर क्रश्ड, गार्लिक पेस्ट और मस्टर्ड पाउडर, और यहाँ पे हम लोग को चाहिए व्हाइट ऑयल और ऑयस्टर शाइन सॉस ये वाला। चलिए हम लोग अभी चिकन स्टेक बनाना शुरू करेंगे। तो चिकन स्टेक बनाने के लिए पहले हम एक ब्रेस्ट पीस ऐसे लेंगे, उसको थोड़ा नाइफ से पीट लेंगे ऐसे। हम इसको काटेंगे नहीं, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पीट लेंगे ताकि मसाला अंदर घुस सके थोड़ा। अब इसको ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो जाने के बाद मैं इसको रख दूंगा साइड पे। एक और ले लेंगे हम, ज्यादा जोर से नहीं मारना है तो ये काट जाएगा। ये हो गया ये। तो ऐसे करके हम हर एक मीट को ऐसे पीट के रख देंगे इसको। चलिए हम अभी चिकन को मैरिनेट करने वाले हैं। चलिए हम देखते ही, पहले हम इस ये चिकन को ऐसे पीट लिया है जो मैंने दिखाया था, तो अभी इसको हम मैरिनेट करने के लिए पहले वर्सेशायर सॉस को डालेंगे, उसके ऊपर वाइट ऑयल और यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था ये सारा मसाला हम डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपने हाथ ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी मैं अभी इसको मैरिनेट करने वाला हूँ मीट को इसके साथ। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी हम इसमें एक एक करके मीट को डाल देंगे। ऐसे डालने के बाद बस ऐसे पलटी मारेंगे हम इसको, एक एक करके हम सब मीट को ऐसे डाल देंगे। हमको ध्यान रखना है मल्टी करने के समय कि बोथ साइड में अच्छे से ये चीज़ मिल जाए। ऐसे करके हमको सारा मीट डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना ये मसाला लगा दिया है हर एक मीट को, तो हम इसको एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। चलिए हम एक घंटे बाद लौट आते हैं, इसको कैसे बनाते हैं फिर दिखाएंगे हम आपको। हाँ, तो एक घंटा बाद में आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए मैरिनेट किया हुआ था, मैंने मैरिनेट करके रखा था ये चिकन। अब इसको हम कढ़ाई में ऐसे पहले तेल लगाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में वाइट ऑयल डाल दिया यहाँ पे, देखिए अब ये थोड़ा गर्म हो गया, मैं मीडियम फ्लेम में रखा। अब इसमें चिकन स्टेक्स एक एक करके डाल देंगे हम। अब एक ही बार में एक डाल सकते हो, मैं यहाँ पे दो डाल रहा हूँ। अब इसको हल्के हल्के में हम देखेंगे होने दीजिए, देंगे हम इसको। मैं इसका भी थोड़ा ढक दूंगा, थोड़ी देर बाद इसको फिर से हम पलट देंगे। अभी हम इसको खोल के देख लेंगे, फिर से हम पलट देंगे इसको। ये लगभग हो चुका है। और जो लोग सोचते हैं कि लड़के लोग कुकिंग नहीं कर सकता, अब मैं बोलना चाहूँगा कि क्यों नहीं कर सकते, लड़के लोग भी कुकिंग कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा क्या? आज मैं सोचता हूँ कि ये कुकिंग वगैरह चीज़ कोई जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए। अरे कभी कभार हमारे मम्मी लोग बहन लोग को भी तो रेस्ट चाहिए होगा ना, उन लोगों को भी तो रेस्ट देना चाहिए। अगर नहीं आता कुकिंग तो सीख लो भाई।
हो गया है मेरा यहाँ पे, अब इसको हम उठा लेंगे। यह दोनों हो चुका है, ऐसे करके मैं हर एक चिकन चेस्ट को ऐसे ही पका लूँगा। तो ये वाला देखिए थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में एक ही तो डाला है, पहले दो ठाट डाला था, तो ये वाला बड़ा है तो इसलिए एक ही रख दिया। अब इसको पकने के लिए वेट करते हैं। ऐसे करते करते हम हर एक चिकन चेस्ट को या चिकन ब्रेस्ट पीस को पका लेंगे। अब हम इसको ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा स्टेक यहाँ पे रेडी हो चुकी है, देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। आप लोग भी इसको घर में ट्राई कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगे तो मोबाइल ऑफ कर दीजिए। मजाक था, नहीं नहीं, आप मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोग ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ हम लोगों को कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली बार, टिल देन बाय।